वालेकुम हबीबी मैसूर, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। इतने दिन से किया हमने आराम, एंटरटेनमेंट, क्रेजी फन, खाना पीना, सोना और फिर से खाना पीना, सोना और फिर से आराम। तो अभी है ब्लॉग का दिन और अभी हम जाने दुकान पर जाकर पेस्ट, टमाटे और क्या लेने आया था समय, क्या टमाटे, प्याज, टमाटे और लहसुन लेने के लिए नीचे उतरे थे। दिस इज आवर कार फॉर टुडे। द रोड इज मोर धबाधाबी बिकॉज मैसूर टू चामराजनगर द रोड इज मोर धबाधाबी, मतलब मोर खड्डे हैं मोर हम से, इसलिए द रोड इज मोर धबाधाबी। और अभी हम जा रहे हैं 3 रोज की जमात पर। मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि हम इबादत कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, किस तरीके से बैठकर खाते हैं, क्या इस तरीके से पानी पीते हैं और कैसे हम नमाज की इबादत करते हैं। तो इतना ही, चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तीने क्या खूब कहा है, अजान की आवाज से दुकान बंद नहीं होती लेकिन गोली की आवाज से पूरा बाजार बंद हो जाता है। मरने का डर है लेकिन जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं लगता। अफसोस, लोग आज नमाज नहीं पढ़ रहे। बेशक अल्लाह से डरो क्योंकि जब तक वो ना चाहे तब तक हमें कोई मार नहीं सकता। और यही वो मस्जिद है जो हमने 3 दिन कायम करने वाले हैं। मुसलमान मक्का की मस्जिद नमाज पढ़ने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाए आप लोग? अभी आए। आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो समझ में आ रहा। और यहाँ पे हमारे सारे भी नमाजें पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे दस्तरखान लगने वाला है जो सारे बैठकर खाते हैं। आपने क्या सीखा आज यहाँ पे? बहुत कुछ सीखा भाई, बहुत कुछ सीखा। जैसे आगे जैसे वो बोलते हैं ना कि अल्लाह का जहाँ पे भी जिक्र होता है अल्लाह की तारीफ होती है तो वहाँ पे ना एक स्पेशल फरिश्ते होते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छे फरिश्ते होते हैं। तो वो फरिश्ते अल्लाह को बात जाके बताते हैं आपकी तारीफ की जाएगी। की नमाज के बाद हम खाना खाएंगे एंड दिस इज आवर डिनर। माशाल्लाह। अब 2 दिन हम अल्लाह के घर में रहे, अल्लाह के रास्ते में रहे, अमल यहाँ पे किए गए। ये अमल क्या है? अगर तबलीग को हटके कोई नाम नहीं है ना तो बस एक माहौल क्रिएट किया जाए। क्या क्रिएट किया जा रहा? जैसे दुनिया का माहौल छोड़ के इंसान मस्जिद में आ रहा है अल्लाह के घर में, अल्लाह के रास्ते में वक्त गुजार रहा है, अल्लाह के घर में वक्त गुजार रहा है। तो अल्लाह के घर में क्या है, हर वक्त वो अमाल के अंदर लगे हुआ है। हर वक्त इसमें लगे हुआ है, अमाल के अंदर लगे हुआ है। जैसे कि अमाल कौन से होते, 5 टाइम की नमाज़ तो हम घर पे भी पढ़ते थे, डिस्पोजल से 5 टाइम की नमाज हम लोग घर पे भी पढ़ते थे, लेकिन आज हम अल्लाह के रास्ते में निकल के पढ़े हैं तो इसका अजर अल्लाह ने दोगुना नहीं, 1000 गुना ज़्यादा कर दिया। तकरीबन ये है ना, ये जो काम है हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हम सब काम करते हैं, घर मेरा है, दुकान मेरी है, बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, तो इसी तरह अल्लाह का दीन भी मेरा है और अल्लाह के दीन की मेहनत भी मेरी है। अल्लाह का दीन किसका है? मेरा है। और अल्लाह के दीन की मेहनत भी। हमारे बड़े बोलते हैं कि जितने काम हम कर रहे हैं ना, कोई काम को छोड़ना नहीं है, कोई काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि जितने काम हम कर रहे हैं ना, तमाम कामों के अंदर एक काम को शामिल करना है। किसको शामिल करना है? एक काम। और वो काम क्या है? अल्लाह के दीन की मेहनत। अल्लाह के दीन की क्या है? मेहनत है। इस काम में अगर हम लगे रहेंगे ना तो हमारा एहसास बाकी रहेगा। क्या बाकी रहेगा? अगर इस काम में नहीं लगे, इस काम से हटके हुए ज़िंदगी गुजारी, तो इसका नुकसान ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से दीन हमारी ज़िंदगी से निकलेगा, जिसका हमें ज़रा बराबर भी एहसास नहीं होगा। इतना ज़रा बराबर नमाजें भी छूटेंगी, अल्लाह के हुक्म भी टूटेंगे, नबी के तरीके भी छूटेंगे, ज़िंदगी से, घरों से, सुन्नतों के जनाजे निकलेंगे, हमको उसका एहसास नहीं होगा। इस काम में लगने के लिए क्यों बोलते हैं हमारे बड़े कि हर शख्स इस काम में लगे?
चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, शहरी हो, देहाती हो, हर कोई इस मेहनत में लगे। इस मेहनत में लगने के फ़ायदे ये है, जब इंसान इस मेहनत में लगेगा ना तो उसका असर वहाँ होगा जहाँ इसकी ज़रूरत है। इसका असर कहाँ होगा? जहाँ उसकी ज़रूरत है। हमारे बुजुर्ग वो कहते हैं कि लंगर में कहला इस वक्त उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत हालात में, आफियत के साथ आप क्या करिए उम्मत के हालात को, उम्मत के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के हालात को क्या कर दीजिए आप, दुरुस्त कर दीजिए। तो अल्लाह से तीसरी चीज़ क्या है? अल्लाह से मानने का एहतमाम। चौथी चीज तस्बीहात का एहतमाम करना। किसका? अल्लाह से जो करीब होने का जरिया है ना वो तस्बीहात है। अब वो बड़े बड़े लोगों ने तो बहुत जिक्र करके गए, लेकिन हमारे बड़े अपने को आसान तरतीब बताते हैं, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा जरूर शरीफ और 100 मरतबा हस्तखतवा। अल्लाह के बड़े एहसानात हैं हम पर, अल्लाह की अजमत को याद करते हुए तीसरा कलमा पढ़ना, अल्लाह के नबी की एहसान में एहसानात हैं। 2000 years later.